एक अच्छे जीवन व्यापन के लिए आपको चाहिए स्वास्थ्य अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सर पर छत हो, सड़क अच्छी हो, पीने के लिए पानी हो, खाने के लिए खाना हो। जेएमएम की सरकार को, मतलब हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 साल लगभग पूरे हो गए हैं। कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा देखेंगे कि जेएमएम की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को इन 5 सालों में क्या दिया है और झारखंड से इन 5 सालों में क्या लिया है। बच्चे आने वाले कल का भविष्य है, तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। तो पहले देखते हैं हम ये कुछ रिपोर्ट्स। किसी से छुपा नहीं है। एक तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक अनुपात में नहीं है, अगर शिक्षक अनुपात में है भी तो उसमें से कुछ शिक्षक खुद शिक्षित नहीं है। आपने झारखंड के बीते दिनों कुछ वीडियो वायरल होते हुए बहुत देखा होगा, जहां पर एक शिक्षक बोर्ड पर बच्चों को फरवरी लिख के नहीं बता पाता है, एक शिक्षिका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोर्ड पर लिख कर नहीं बता सकती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ऐसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे और आने वाले झारखंड को क्या देंगे। हेमंत सोरेन गांव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल लेकर आते हैं। इस स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाली सारी व्यवस्था देते हैं ताकि गांव के गरीब बच्चे यहां पर आए और अच्छी शिक्षा ले सकें। ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इस स्कूल के लिए भी जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है वो कोई अलग से परीक्षाएं नहीं हुई है, जो पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनमें से ही छांट कर अच्छे शिक्षक को फिल्टर करके इस स्कूल में लाया गया है। सीएम एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, जीवन में कहीं सेट हो जाएंगे, क्योंकि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। लेकिन जो बच्चे उसी स्कूल में छूट गए वो क्या करेंगे? मुर्गी बेचेंगे, अंडा बेचेंगे, सुअर बेचेंगे? क्या आपने इस तरीके से झारखंड को सजाया है? क्या उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, आगे आने वाला अच्छा कल का हक नहीं है? आइए अब हम ये रिपोर्ट देखते हैं स्वास्थ्य और सड़क को लेकर। फिर दिखाइए भारत की वो काली तस्वीर है जिसको हम आप सभी दर्शकों को, मुझे रसन जल्दी से भेजो, बीमार पड़े तो कैसे जाला हॉस्पिटल, इतना भूल के लगा था धैर्य करना। 70 वर्ष कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी इस गांव में लाइन नहीं पहुंचा। देखिए 16 गांव झूठो के काले हर बकरी चकरी सुअर से दूध के लेसा करवा फंसे रहो मास रहा है। जब तक जनजाति समुदाय के गांव में नहीं जाइएगा, जब तक बार बार पड़ते हैं तो इलाज कराने कहां जाते हैं? ऐसे चंदपुर से जाते हैं। कितना दूर है यहां से? 15 किलो। एम्बुलेंस आता है फोन कर? वो आप नहीं करता है, मर जाते हैं फिर से एम्बुलेंस। बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई भी नहीं करा सकते हैं डॉक्टर, इतना दिक्कत है। इतना दिक्कत नहीं है, हम लोग का पानी नहीं है, घर भी नहीं है। उन्हीं 2 किलोमीटर आगे गाड़ी लगा के आई लिया, तो हम तो आई हूँ पैदल पैदल। मान लीजिए कि तोहनी बीमार पड़ जाए कैसे लावे ले? इधर करी ले आने से कि जब मोटरसाइकिल तो साइकिल में बैठे इमरजेंसी ककरो पड़ी जा तो न साइकिल न मोटरसाइकिल मिल रहा, तो की कर लिया तू आदमी तीन दिन टांगी के लिए जगह पर ले। कुछ नहीं मिला हाँ? नहीं कुछ मिला। पेंशन मिला हाँ? ना देखो ना पैर लेना पा रही है, दुई गो टांग रहने को। कहाँ से पिया ले? ए बाबा यही टेप पिए ही। अच्छा यही से पानी पियते हैं? लेकिन पानी खत्म हो गया। खत्म हो? अभी कहाँ से पिया ले पानी? यही पानी पीता है। हमें तो पानी तो है ना खाओ। अच्छा उतना पानी वही पानी पीते हैं? तब क्या करेंगे आप, कहीं से भी दाढ़ी खोल के गड्ढा उड्ढा से पानी पीते हैं। कहाँ से पानी लेके आ की होने से कितना दूर घर? ये वीडियो संथाल के कुछ गांव का है, जहां अभी भी कुछ गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, बिजली नहीं पहुंच पाई है, पीने को पानी नहीं है। अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। अगर उनके 20-25 किलोमीटर के दूरी पर कोई स्वास्थ्य केंद्र है भी तो वहां तक पहुंचाने के लिए गांव में सड़क नहीं है। ऐसे में जब लोग बीमार पड़ते हैं तो गांव में लोग खटिए पर लिटाकर, कंधे पर बिठाकर जैसे तैसे स्वास्थ्य केंद्र तक मरीज को लेके जाते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंच पाती, एम्बुलेंस के इंतजार में गांव के गरीब गांव में ही दम तोड़ देते हैं। इलाज की कमी के कारण गांव में ही लोग मर जाते हैं।
वह इलाज के लिए शहर तक पहुंच ही नहीं पाते। जहां लोग इतनी तेजी से समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संथाल के कुछ गरीब आदिवासियों की परिस्थिति इतनी दयनीय है कि वह अभी आधी समय से बाहर निकल ही नहीं पाया है। उन्होंने जलता हुआ बल्ब नहीं देखा है, उन्होंने अच्छी सड़क नहीं देखी है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देखा है। एक और रिपोर्ट हम देखते हैं। हमरा चार डंटा तू मार ले, ले मार ले हमरा चार डंटा मार ले हमरा तू मर पे मार ले नहीं मरेगा। आप देख सकते हैं गरीबी बदहाली में किस प्रकार से लोग जी रहे हैं। ये विकलांग है, इनको पेंशन नहीं मिला है विकलांग वाला, इस कारण से ये गुस्सा गए हैं। ये लोग लाठी टांग दिया हमारे ऊपर कि खाली लोग आता है कहता है कि बनवाएंगे बनवाएंगे, लेकिन बनिए नहीं रहा है। अब बताइए कि सर्वजन पेंशन योजना कहाँ है वो सब योजना? ये 50 साल वाला जमा किया आज तक वो कागज भी नहीं है। रसीद देवे महिला पुरुष के साल भर के कितना उम्र भयो? 60-70 साल। अभी तक पेंशन कब न मिला सर? पेंशन पेंशन भी नहीं पेंशन मिला का के? नहीं मिलता। एक पत्नी है हाँ। तो पेंशन आपको मिलता है? नहीं मिलता है। तरफ से तो कुछ नहीं मिला कि दो में कि तीन में कि चार में पांच में कौन से में? अभी से कुछ नहीं। अभी से कुछ। ये रिपोर्ट सरकार के योजनाओं पर सवाल खड़ा करती है। झारखंड सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए आए दिन अलग अलग तरीके की योजनाएं निकालते रहते जिनसे गरीबों का भला हो। ऐसे में आप देख सकते हैं अगर इन योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो किन तक पहुंच रहा है। हेमंत सोरेन की सर्वजन पेंशन योजना किन तक पहुंची है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन जरूरतमंद गरीबों तक तो नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में इतनी सारी योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए निकालने का क्या फायदा जब इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल ही नहीं पा रहा जिन्हें एक्चुअली में इन योजनाओं की जरूरत है। अब बात करते हैं बेरोजगार छात्रों की। सरकार बेरोजगार छात्रों के लिए लेकर आती है बेरोजगारी भत्ता। किन्हें मिला ये बेरोजगारी भत्ता? किसी को नहीं। जब नहीं पेंशन का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है, बेरोजगारी भत्ता का लाभ छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ऐसी योजनाएं निकालने का मतलब ही क्या है? जब अब चुनाव सर पर है तो सरकार एक और योजना लेकर आती है, मैया सम्मान योजना। जहां इतनी सारी योजनाएं पहले से ही सरकार की धरी है, ऐसे में एक और योजना आती है जहां पर सरकार महिलाओं को 1,000 रुपए देगी। तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि क्या ये योजना परमानेंट है या टेम्पररी है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि ये कोई योजना है या फिर चुनावी लालच है। जहां सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं धरी की धरी रह गई, गाँव के गरीबों तक पहुँच नहीं पाई, गाँव के आदिवासियों तक पहुँच नहीं पाई, ऐसे में मैया सम्मान योजना का लाभ क्या चुनाव भर ही रहेगा या फिर इसके बाद भी मिलता रहेगा? ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो झारखंड में सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते भरते सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। 2016 से तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं और 16 बार से बेसिस फॉर्म भरा चुका है। घर का जो बात और प्रेशर, मोहल्ला गांव का प्रेशर, हम लोग को कपार को जो पढ़ते हैं ना जब किताब निकाल के, तो पहले वही किताब माइंड में आता है। सोचते हैं कि चल इस अपना जमीन बेचकर, खेत बेचकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं सालों साल तक, और परीक्षा होती भी है और परीक्षा के दो दिन पहले पता चलता है पेपर लीक हो गया। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी आ जाता है तो पता चलता है कि सेंटर पर सेटिंग चल रहा था। ऐसे में क्या छात्रों आपको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की सरकार में आपको नौकरी मिल पाएगी, आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे? झारखंड का हर छात्र सड़क पर अपने हक के लिए आंदोलन करता नजर आ रहा है। हम लोग किसको बताएं कि तैयारी तो भरपूर करके रखे हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठे उसके अगले दिन पेपर लीक हो। झारखंड के सिपाही सड़क पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, तो फिर झारखंड में इस सरकार से खुश कौन है? हम 10 महीने ड्यूटी करते हैं, 2 महीना भी धरना देते हैं, 2 महीना हमारा घर के हवा खाएगा? हमारा हम ही तो अपने घर के बुनियाद है सर, हमारा इससे हमारा घर चल रहा है। जब हम यहाँ 2 महीना आके 2 महीना सर उधारी में खाते हैं, फिर 10 महीना वो कर्जा भरने में निकाल देते हैं। नहीं गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, नहीं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्राओं की परीक्षाएं ढंग से हो पा रही हैं, नहीं सरकारी नौकरी मिलने वाले को सरकारी नौकरी मिल पा रहा है, जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इस जेएमएम की सरकार में खुश कौन है? क्या आपको लगता है जेएमएम की सरकार में परिस्थिति बदल पाएगी, झारखंड बदल पाएगा? तो इस बार
झारखंड की जनता को सरकार से पूछने की जरूरत है कि इन 5 सालों में सरकार ने आपको क्या दिया है, आपके लिए उन्होंने क्या किया है, ये आपका हक है। इन पूरे रिपोर्ट्स को देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कमेंट के थ्रू बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और देखते रहें डिजिटल पत्रकार। जोहार।